हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज बात करने वाले हैं एक गवर्नमेंट जॉब की जो कि बहुत खास है और जिसको ट्वेल्थ के बाद ही अपन कर सकते हैं। उसका नाम आप जानते हैं, थंबनेल से पता लग ही गया होगा आपको, SSC स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी निकलती है। CHSL का मेरा पहला वाला वीडियो था, उसके अलावा भी जो SSC के थ्रू 10+2 के बाद जो वैकेंसी निकलती है जिसको आप फिल कर सकते हैं आप बच्चे लोग, वो है SSC स्टेनोग्राफर की। तो आज का वीडियो पूरा इसी के बारे में होने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा, इनके इस चैनल पे नए हैं और ऐसे एजुकेशनल कंटेंट पसंद है तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल दिख रहा होगा आपको, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। SSC ये स्टेनोग्राफर का एग्जामिनेशन दो लेवल पे क्रिएट करता है या कंडक्ट करता है, SSC ग्रेड स्टेनोग्राफर की ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। जैसे कि आपको ग्रेड की रिक्वायरमेंट पता है, ग्रेड डी थोड़ा लोअर लेवल हुआ, सी थोड़ा अपर लेवल, बी उससे और अपर लेवल और ए अपना सबसे सुपीरियर लेवल के लिए, राइट। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, SSC स्टेनोग्राफर की क्वालिफिकेशन क्या है। 10+2 होने चाहिए फ्रॉम एनी स्ट्रीम, परसेंटेज यहाँ पर मैटर नहीं करती, अच्छा खासा रिलैक्सेशन भी है, तो 40-45-15 ईयर अबाउट भी आपकी परसेंटेज बन रही है तो आप इजीली स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 10+2 होने चाहिए एटलीस्ट, 12th आपकी होनी चाहिए और एनी स्ट्रीम मैटर नहीं करती है, साइंस के, आर्ट्स के या कॉमर्स के, किसी का भी आपका बैकग्राउंड हो, मिनिमम 40-50% आपकी होनी चाहिए, आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट देख लेते हैं, एज लिमिट है 18-27 ईयर्स, 18-27 साल के बीच आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और रिलैक्सेशन भी है। ST/SC अगर आप हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC के लिए नियर अबाउट 3 साल का रिलैक्सेशन है, तो अच्छा खासा रिलैक्सेशन है नियर अबाउट 30 साल के अगर आप हैं तब भी आप स्टेनोग्राफर की जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सैलरी देख लेते हैं, अगर आपका सक्सेसफुली आप एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं, दो स्टेजेस में होता है अभी डिस्कस करने वाले हैं, फिर आपकी जब जॉब लगती है, अगर ग्रेड सी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो सैलरी पैकेज बनेगा 4200 का आपका ग्रेड पे बनेगा और 9300 के नियर अबाउट आपका पे स्केल रहेगा, 9300 से लेकर 34800 के नियर अबाउट आपका ग्रेड पे रहेगा। डी अगर आप ग्रेड डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2400 का आपका ग्रेड पे बनेगा और पे स्केल रहेगा 5200, 5200 से लेकर 20200 मतलब 20200 आपका ग्रेड पे रहेगा। तो ये अच्छा खासा आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं SSC के थ्रू। एग्जामिनेशन की फीस देख लेते हैं, तो 100 फॉर जनरल है, सिर्फ 100 रुपये लगते हैं जनरल के लिए। अगर आप ST/SC या OBC कैटेगरी के हैं तो वहाँ पर फीस माफ़ है, फीमेल हैं तो फीस माफ़ है आपकी, तो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, 12th के बाद ही फ्री का एग्जामिनेशन है जिसके लिए। अच्छा, नॉमिनल से फीस है तो एक और बात ये है कि इसमें बहुत सारे लाखों मतलब 30-40 लाख के नियर अबाउट एप्लीकेंट्स आते हैं, बच्चे फिलअप करते हैं फॉर्म को, तो अच्छा खासा कॉम्पिटिशन है इस एग्जामिनेशन के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिटन एग्जामिनेशन होता है 2 स्टेजेस में जैसे मैंने बताया था, सेकंड स्टेज आपका स्किल टेस्ट रहता है जिसको कंप्यूटराइज टेस्ट भी बोलते हैं, शॉर्ट हैंड टेस्ट भी बोलते हैं, उसके बारे में अभी पूरी नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन के बारे में देखते हैं, रिटन एग्जामिनेशन में पूछा क्या जाता है, बहुत ज़रूरी है आपको जानना पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कितने आते हैं, कितना टाइम मिलता है, क्या ये पेन पेपर होगा या कंप्यूटर के थ्रू करना पड़ेगा, तो ये डिटेल्स ये रही आपके सामने। रिटन एग्जामिनेशन जैसे कि आपको मैंने बताया ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, दैट मींस आपको कंप्यूटर की स्क्रीन में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपका एग्जामिनेशन जो सेंटर है वो SSC अलॉट करेगा, वहां पर आप जाएंगे तो आपको कंप्यूटर सामने मिलेगा, उस पर क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको KBC देखते हैं आप तो वैसा ही कुछ सिनारियो मिलने वाला है आपको, लेकिन वहां पर आप खुद ही टिक करेंगे, 4 ऑप्शन आएंगे, MCQ बेस्ड ये एग्जामिनेशन है, 4 ऑप्शंस आपको दिखेंगे, उसमें से जो भी आपको ऑप्शन ठीक लगता है वो आपको टिक करना पड़ेगा, राइट। तो सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट है बेसिकली इसमें, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के, तो आप पता कर सकते हैं कि इंग्लिश का लेवल आपका अच्छा होना से, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 100 मार्क्स के इंग्लिश में से ही आते हैं, तो आपको इंग्लिश में वर्क करना है, राइट। थर्ड है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में लॉजिकल और वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग आती है आपका, तो 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के, टोटल क्वेश्चंस हुए 200 और मार्क्स भी हुए अपने 200, 122 मिनट्स मिलते हैं, दैट मीन्स 2 आवर मिलता है, 2 घंटे मिलते हैं आपको ये एग्जामिनेशन को करने के लिए और वो इनफ होते हैं।
राइट इतना ज़्यादा लेवल नहीं होता इसका, मतलब ट्वेल्थ के लेवल का ही आपकी साइकोलॉजी के नियर अबाउट आपका एग्जामिनेशन पेपर होता है। तो आपको 2 घंटे मिलते हैं 200 क्वेश्चन करने के लिए, एमसीक्यू ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको बिना सोचे समझे हर क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने, जो भी आप कंफर्टेबल हो, जो आपको अच्छे से आता हो वही अटैम्प्ट करने। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, दैट मीन्स अगर आप कोई आंसर गलत भी करते हैं तो उसके मार्क्स कटते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि आलतू फालतू क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने, जो आता है वो करिए, टाइम को सेव करिए और ये एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करिए। जैसे ही आपका रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होता है फिर आता है ऑल इम्पॉर्टेंट स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी बोला जाता है इसको। अब इसमें क्या होता है, गौर से कान लगा के सुनिए, इसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपको जो बच्चे भी रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कर लेते हैं उनको नोटिफाई कर दिया जाता है कि आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाइड हो गए हैं, प्लीज़ आपको एक सेंटर अलॉट होता है और आपको वहाँ पर बुलाया जाता है। वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर आपको 10 मिनट का जो भी आप क्या स्किल टेस्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपने या तो हिंदी में आप अप्लाई करेंगे या इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में आपने टाइपिंग सीखी हुई है उस लैंग्वेज पर आप अप्लाई करते हैं। और वहाँ पर जब भी आप जाते हैं तो आपको 10 मिनट्स का ऑडियो सुनाया जाता है, 10 मिनट का आपको ऑडियो सुनाया जाता है। वो सुन के वही ऑडियो को आपको शॉर्ट हैंड में लिखना पड़ता है। शॉर्ट हैंड मतलब होता है कि वो रिपीट नहीं करेंगे, स्कूल कॉलेजेस में होता है कोई टीचर्स बोलता है तो अगर आपको नहीं आता या आप पीछे रह गए हो तो वो रिपीट करता है, वहाँ रिपीट नहीं होगा। हो सकता है कोई पहले से ही ऑडियो क्लिप आपको सुनाई जाए या फिर जो एग्जामिनर होगा वो डिक्टेट करेगा आपको, 10 मिनट कुछ बोलेगा और वो ही जल्दी जल्दी वो बोलेगा, वो रिपीट नहीं करेगा। तो आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, दैट मींस लंबे सेंटेंसों को शॉर्ट में लिखना आना चाहिए। उसके लिए कोर्सेज होता है, वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा पहले ही। तो आपको 10 मिनट में वो ऑडियो क्लिप सुनाई जाएगी 10 मिनट के लिए, उसमें आपको शॉर्ट हैंड में उसको लिखना पड़ेगा 10 मिनट के अंदर ही। जैसे ही आपने वो शॉर्ट हैंड 10 मिनट की मतलब 10 मिनट आपके जैसे ही पूरे होते हैं, उस 10 मिनट के बाद आपको जो भी आपने 10 मिनट में लिखा है शॉर्ट हैंड में वो कंप्यूटर में टाइप करना पड़ेगा। हो रहा है क्लियर? पहले आपको 10 मिनट की ऑडियो क्लिप सुनाई जाएगी और आपको 10 ही मिनट उसी टाइम में जब वो चल रही होगी उसी में आपको शॉर्ट हैंड लिखना है। और जैसे ही आपका वो कंप्लीट हो जाता है, 10 मिनट हो जाते हैं, उसके बाद आपको नियर अबाउट 50-55 मिनट्स मिलेंगे जो आपने लिखा हुआ है उसको वापस से कंप्यूटर में टाइप करने के लिए। हो रहा है क्लियर? ऑडियो सुनाई जाएगी, शॉर्ट हैंड में लिखेंगे और जो आपने शॉर्ट हैंड में लिख रखा है उसी को टाइप करने के लिए आपको 50-55 मिनट्स मिलेंगे। डिपेंड करता है आपका लैंग्वेज इंग्लिश है या हिंदी है, आपको 50-55 मिनट्स मिलते हैं वो टाइप करने के लिए। उसके बेसिस पर अगर आपने इफेक्टिवली क्लियर कर लिया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मोस्ट वेटेज रिटन एग्जामिनेशन में है, आपका स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है लेकिन फिर भी आपको जो वर्ड लिमिट्स है जो आपकी 80 वर्ड पर वो होता है उसमें कि आपको इतने वर्ड्स में लिखना पड़ता है या 100 वर्ड्स में, वो आपको क्वालिफाई नेचर का है तो उनके लिमिट के हिसाब से आपको जो भी प्रिस्क्राइब कर रखा है वो तो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो ये रिक्वायरमेंट है एसएससी के थ्रू, वो आपको रिटन एग्जामिनेशन में ये क्लियर करके वो स्किल टेस्ट में वो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। तो आपको टाइपिंग वगैरह थोड़ी बहुत शॉर्ट हैंड वगैरह सीखनी पड़ेगी क्योंकि आप बिल्कुल नोविस होके गए या फिर आपको पता नहीं है क्या करना है तो वहाँ पर आप थोड़ा बहुत नर्वस रहेंगे, आपके ना हाथ चलेंगे ना शॉर्ट हैंड में आप सुन पाएंगे, ना सुन पाएंगे तो वो लिखेंगे क्या आप। तो आपको थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा पहले रिटन के साथ साथ, क्योंकि स्टेनोग्राफर मतलब ही टाइपराइटर होते हैं ना, टाइप में जो टाइप करते हैं, जो भी गवर्नमेंट की क्वेरी वगैरह आती है उनको नोट डाउन करना हिंदी या इंग्लिश में हो, शॉर्ट हैंड में करना। रिपोर्टर्स में आपने बहुत सुना होगा रिपोर्टर्स को शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, जब भी किसी पर्सन का इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनको वर्ड टू वर्ड लिखने का टाइम नहीं रहता तो वो शॉर्ट में ही लिखते हैं, तो वही काम होता है स्टेनोग्राफर्स का। तो आई होप आज का वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा रिटन एग्जामिनेशन में क्या आता है, स्किल टेस्ट क्या होता है, आपको आई होप मैं आपको बताने में क्लियर हुआ होगा, आपको क्लियर हुआ होगा जो भी मैंने बताया होगा। तो ये था एग्जामिनेशन का क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, ये रहती है आपकी। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और अगर गलती से अच्छा लग गया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। दिस इज सुनील साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।